बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम ही देखने वालों को अब्दुल्ला कुज़ैन पे वेलकम। और कैसे हैं आप लोग सब? और उम्मीद करते हैं कि बारिशें बहुत अच्छे से आप लोगों ने इन्जॉय की होंगी। और आज है संडे और आज हम बनाने लगे हैं एक बड़ा ही आसान सा मगर स्पेशल सा नाश्ता, जिसमें आपको आटा गूंदे बगैर अंडा फेटे आप एक ही साथ दोनों चीज़ें मिलाएंगे, बनाएंगे ज़बरदस्त सा अंडा पराठा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कप मैदा, सही है, और हम लेंगे एक से डेढ़ टेबल स्पून ऑयल, सही है, ये मैं और थोड़ा सा ले रही हूँ, सही है। और आपने इसमें नमक शामिल करना है तकरीबन हाफ टी स्पून, ठीक है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम एक अंडा, ये देखिए, ठीक है, बस ये जो है चीज़ें जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको बीटर से इस तरह से फेंट लेना है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये एक बिल्कुल फाइन टेक्सचर की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है, इसमें जो लम्स हैं ये हमने ख़त्म करने, इसका बिल्कुल एक फ़ाइन टेक्सचर लेकर आना है हमने। और ये देखिए, ये बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये इस तरह से बिल्कुल जो है ना आपका टेक्सचर हो जाना चाहिए। तकरीबन मैंने एक कप के करीब इसमें पानी डाला है, ठीक है। आपका अगर आधे कप में भी टेक्सचर आ जाता है तो आप आधा कप यूज़ कर लीजिए, लेकिन आएगा एक कप में ही इस तरह का टेक्सचर, ठीक है, क्योंकि आपने एक कप मैदा लिया है तो आपने गाढ़ा नहीं रखना है टेक्सचर बहुत ज़्यादा। अब क्या करेंगे, अब हम फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, ठीक है, इसको हल्का सा ऑयल से हमने ग्रीस भी कर लिया है, सही है। अब क्या करेंगे हम, अब जो है हम ऐसे इसी जो हमारा पेस्ट हमने तैयार किया है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे हम सही और देखिए बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, सही है। मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ देना है, जैसे ही ये एक तरफ से थोड़ा सा पकेगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, सही है। तो ज़बरदस्त सा पराठा देख रहे हैं आप, किस तरह से अंडा पराठा, जिसमें आपने कोई बहुत ज़्यादा बीटिंग नहीं की है और आटे में ही अंडे को भी आपने मिला लिया है और दोनों एक जान करके आपने एक मिक्सचर बनाया। आटा आपको गूंदने की कोई मेहनत भी नहीं पड़ी, बस जैसे ही आपके बच्चे आपको बोले हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, फटाफट से आप उनको तैयार करके दे दें। और यकीन माने कि ये जो पराठा अंडा है ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, इसमें पैदा मान रही हूँ, ये देखें हमने इसकी साइड चेंज कर दी, ये देखिए, ठीक है, देखिए इस तरह से पक गया है एक तरफ से। अब हम दूसरी तरफ से इसको पका लेते हैं, अच्छा मैंने जो है वो कम ऑयल यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा ऑयली पराठा खाते हैं तो आप ये करें कि एक तरफ से सेकने के बाद आप दूसरी तरफ फिर से जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब दोबारा ऑयलिंग कर लें। हमारे क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है तो मैंने कम ही ऑयल में इसको बना रही हूँ, ठीक। ज़बरदस्त सा अंडा पराठा एक ही जगह पर तैयार हो रहा है, अलग अलग आपको ना अंडा बनाने की ज़रूरत पड़ी ना पराठा, और इसका कलर भी बिल्कुल पराठे ही जैसा आएगा, आप देखिएगा।
फ्लेम मेरा मीडियम पर है, बस मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सेक लेना है। कोई टेंशन ही नहीं है, पराठा गोल बनाना है, चौकोर बनाना है, बस चमचा भर के आपने मिक्सर को डाल देना है और बस बना लेना है और मज़े करने। ये देखिए, ये इसने अपने पराठे का कलर लाना शुरू कर दिया ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अब पकने की तरफ है। ठीक है, बनेगा बहुत सॉफ्ट। एक कप के मैदे में आपके दो पराठे तैयार हो जाएंगे। अब आप जो है इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर एक कप में दो पराठे रेडी हो रहे हैं, एक अंडे में और एक कप मैदे में दो पराठे रेडी होंगे, तो जैसे जैसे आपने यानी कि पराठे बढ़ाने, वैसे वैसे आपने अंडे की और मैदे की क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। नमक तो आप अपने हसबे जायका ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इसमें आटा प्लस अंडा है। ठीक है, आपने सिर्फ ये कंसिडर नहीं करना है कि हमने आटे का नमक डालना है, क्योंकि आपने इसमें अंडा भी डाला है तो आपने अंडे का भी नमक सोच के डालना है। ठीक है, फीका ना लगे, अच्छा लगे खाने में। और ये हमारा ज़बरदस्त सा अंडा पराठा एक साथ रेडी हो गया है। इसको हमने प्लेटर में निकाल लिया है। ठीक है, देखा आपने कितनी जल्दी से बन गया। सही, तो आप लोग भी अपना बच्चों को इस तरह से बना के दीजिए, मज़े करवाइए। चलें हम दूसरा बना लेते हैं। चलें जी, अब दोबारा से डाल लेते हैं। देखा, मैंने एक कप मैदा लिया था ना, तो मेरे से दो पराठे बने। बस इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और देखें, ये हमारा एक साथ अंडा पराठा तैयार हो गया। इसमें ना आटा गूंदा आपने, ना पेड़ा बनाया, सही कुछ भी नहीं किया आपने, और झटपट सा ये तैयार हो जाने वाला पराठा है। इंशाल्लाह आपके बच्चे इसको ज़रूर इंजॉय करेगा, ज़रूर बनाइए। और हमारा तो ब्रेकफास्ट शुरू होने का टाइम हो गया है, आप लोग भी बनाइए, मज़े कीजिए। और ये देखेंगे, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें अंडा मौजूद है ना, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं इतना सॉफ्ट है ये। तो बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप भी बहुत इंजॉय करेंगे, और स्पेशली बच्चे तो बहुत ही, बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट डिश हो जाएगी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे भी लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोज़ मेरी देखने को मिल सके। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।